एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन MdX plus NdY equal to 0 is said to be an exact differential equation if it satisfies the following condition. यानी अगर ऐसी कोई condition हो आपकी, यानी MdX plus NdY equal to 0, ऐसे कोई differential equation आपके पास present हो, तो ये following condition आपकी satisfy करनी चाहिए, तभी आपका exact वो form बनती है. उसको solve करने का आगे तरीका मैं आपको बताऊंगा. अभी condition क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए आपकी डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स होना चाहिए. यानी जो एम वाला पार्ट है वो एक फंक्शन है एक्स और वाई का, उसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और एन वाले फंक्शन को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. फिर हम उसको सॉल्व करेंगे डेल एम बाय डेल वाई, नो द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एम, ये मैंने अभी आपको बताया. इसको सॉल्व करने का जो अब जो मेथड है, आपको इंटीग्रेट करना होगा एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज कांस्टेंट, और फिर इंटीग्रेट करना होगा वाई ओनली दोस टर्म्स ऑफ एन. ये मैं आपको समझा देता हूं. इंटीग्रेट एम डी एक्स वाई इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेट एन डी वाई ओनली कंटेन वाई इक्वल टू सी. अब हम इसका एक क्वेश्चन लेंगे एक्स डी एक्स प्लस y dy इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन है. अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की कंडीशन बनानी पड़ेगी. उसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए. यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को. ये मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया. क्या किया मैंने, ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. अब हम डी एक्स वाले टर्म एक तरफ और डी वाई वाले टर्म एक तरफ करेंगे. तो आपका हुआ एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो. यहां तक हम पहुंच गए. अब हमें जैसे हम देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n. तो अब m को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में. तो ये आपका हुआ ए स्क्वायर. आपको यहां पे डिविडेंड रूल लगाना पड़ेगा. ए स्क्वायर तो आपका कॉमन है, कॉन्स्टेंट है. यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू आपका वन माइनस वाई एज इट इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर जीरो, वाई का टू वाई स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ए स्क्वायर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका डेल एम बाई डेल वाई आ गया। अब हम डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे, तो ये हो गया आपका y वाला, जैसे कि y वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे वन आ जाएगा, इसके बाद माइनस ए स्क्वायर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से इंटू टू एक्स, ये जो सॉल्व होगा यह जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, हमारी एग्जैक्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हमें फॉलो करना होगा प्रोसीजर कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कंडीशन क्या थी हमारी कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, अब हम देखना पड़ेगा एम हमारा क्या था, हमारा एम था ये एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एन विच डू नॉट कंटेन द टर्म ऑफ एक्स, यानी अब एन में क्या कंटेन नहीं कर रहा है आपका, एक्स नहीं कंटेन करना चाहिए, तो हमारा एन क्या था ये, यहाँ पे सिर्फ हमारा वाई आएगा इंटीग्रेशन के लिए जो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे y dy इक्वल टू c, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे जिस x के रिस्पेक्ट में x square by 2, यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे y as constant लेके, तो यहां से देखिए tan inverse y का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a square y into 1 upon y tan inverse x by y प्लस y स्क्वायर बाई टू इक्वल टू c। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई टू, यहां पे हम दोनों को इन दोनों को साथ में लिख लिया हमने, अब बाकी का ये हम लिख लेते हैं a स्क्वायर y से y कैंसिल tan इनवर्स x बाय y इक्वल टू सी, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो एग्जैक्ट की कंडीशन हमने आपकी देख ली, हमने देख ली कि एग्जैक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बुक से और भी प्रॉब्लम देख बिल्कुल देखिएगा, मैं आपको इसके और फर्दर वीडियो सीरीज में और क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसे आप सॉल्व कर पाए। अब मैं आगे चलता हूं, ये तो बात हमने करी कि हम एग्जैक्ट के क्वेश्चन, यानी जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आ जाते हैं, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल आ जाते हैं, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, हमने प्रोसीजर लिया और हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन सपोज करें अगर हम हमारी जो डेल एम बाई डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए पांच रूल्स हैं, तो मैं पहला रूल आपको बताने जा रहा हूं।